आज हमने करना है अपने उन तमाम गिफ्ट्स को अनबॉक्स। बर्थडे गिफ्ट अलग लूंगी, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में गई तुमने अलग अलग गिफ्ट लिए, वो गिफ्ट मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ लगाऊंगी। वालेकुम अस्सलाम। किधर अरीब, हमने राबिया के लिए गिफ्ट लिया था? मुझे नहीं पता, तुम्हें बाय करती रही सब चीज। अरीब मुझे भी याद आया, नहीं लिया यार। एक तो मेरा ओवरऑल सफर इतना खूबसूरत रहा है, दूसरा ये कि अभी मैं अपने घर पे मौजूद हूँ, अपनी अम्मा के घर पे मौजूद हूँ। आप सोचो कि कल रात में तो तुम चली गई थी वापस अपने घर, अभी यहाँ पे कैसे आ गई हो? तो भाई सुबह अरीब ने जाना था फुटबॉल खेलने के लिए, एंड ही सेड के मैं घर पे क्या करूंगी, हाँ काम शाम बहुत है करने को, थकावट भी बहुत ज्यादा है, रेस्ट वेस्ट भी करना है। लेकिन आज चूंकि आपको पता है कि हिरा का बर्थडे था, तो मैंने सोचा कि यार घर ही चलती हूँ। फिर मैं घर आई, थोड़ा तैयार व्यार हुई, ये सारी मुझे लुक दी मेरी अम्मा ने, उन्होंने बोला ये वाला ड्रेस पहनो, ये वाला पहनो, थोड़ी देर उनसे बातें करती रही। आपको पता है माओ से बात करके दिल वैसे ही हल्का हो जाता है, तो मेरा दिल बड़ा हल्का हो गया मेरी फैमिली से मिलकर। मैं बहुत 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 खुश हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत खुश होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कॉमेंट कर दे, forget to press the bell icon. आज हमने करना है अपने उन तमाम गिफ्ट्स को अनबॉक्स, और वो तमाम गिफ्ट जो है ना वो मैंने इनको देने, अभी इनको नहीं पता, सुबह से टैंग करके किसी की आवाज पड़ी है, एक किसी की आवाज पड़ी है, आप ही लेके क्या आई हो, आप ही लेके क्या आई हो, तो मैंने उनको फिलहाल यही ताव दिया हूँ लेके आई हूँ कुछ। लेकिन आपको तो पता है भाई मैंने प्रॉपर शॉपिंग वॉपिंग की हुई, क्या लेके आई हूँ, बॉक्सेस में क्या है, डब्बों में क्या है, ये तो एक मिस्ट्री बॉक्स हो गया। तो उसकी आज हम अनबॉक्सिंग भी करेंगे, सारी चीजें सूटते हैं सामान। खैर अभी वो वाला मेरे घर पे पड़ा हुआ है तो वो हम जाएंगे लेके आएंगे, पहले हम लोगों ने हिरा के बर्थडे पे जाना, सब लोग तैयार हो रहे हैं। पर यहाँ मैं हमेशा आपको अपनी फुल लुक दिखाती थी, आज भी आपको अपनी फुल लुक यहीं पे दिखाऊंगी। तो गाइज ये है मेरी फुल लुक, दिस मैंने ये अपनी अम्मा से कोट सेट लेके पहना है, ये मेरी अम्मा मेरे लिए खरीद के लेके आई थी टर्की से, तो ये मैंने अपनी अम्मा का दिया हुआ गिफ्ट अभी पहन लिया है। बाकी क्या चीज़ें ये लोग मेरे लिए लेके आई है तो मैं इनसे बाद में पूछूंगी, अभी ये लोग मेरे से फरमाइशें कर रही हैं क्या लेके आई हो, क्या लेके आई हो, तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। अभी फिलहाल हमको निकलना है यहाँ से, लेट्स गो। ओह बर्थडे गर्ल से तो मिलवाया ही नहीं आपको, अभी उससे भी मिलवाते हैं। हम नीचे आए हैं तो ये डेनिम बेबी बैठा हुआ है इधर तैयार होके, मुतियार बन के। अल्लाह अल्लाह, रात को तुम्हारी जो वो बर्थडे हुई थी उससे पहले मैं तुम्हें विश करके जाती थी। गिफ्ट तो पहले हाँ? बर्थडे गिफ्ट अलग लूंगी। अच्छा, उसके बाद तुम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में गई, तुमने अलग अलग गिफ्ट लिए, वो गिफ्ट मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ लगाऊंगी। तुम टर्की गई हो, मेरे लिए क्या लेके आई हो? बेटा तुम्हें नहीं पता क्या क्या लाए, लाई ज्यादा मसाले लाई हूँ, इतनी ज्यादा कॉफी लाई है मम्मी। हाय क्या बकवास है यार, सच में सीरियसली इतने ज्यादा स्पाइसी, तुम मेरे लिए मसाले लेके आई हो, तुम्हें लगता है मैं कभी जिंदगी में किचन में गई हूँ? अरे यार कभी तो जाओगी ना, मैं तुम्हें चिपेड़े मारूंगी। अगर ये लड़की सिर्फ मेरे लिए मसाले वहां से लेके, यकीन करें मैं इसको मिर्चें गिफ्ट में दूंगी। मुझे तुम्हारी जैकेट अच्छी लगी है, ठीक है अपनी बर्थडे के बाद पहन के ये भी मुझे दे देना, ठीक है? आजकल मैं जिस बहन के पास जा रही हूँ मैं उसको कह रही हूँ कि यार तुम्हारा ये ड्रेस मुझे अच्छा लगा है, ये मुझे दे देना, तुम्हारी ड्रेस मुझे अच्छा लगा, मुझे ओवरऑल फिट अच्छा नहीं लगा, तुम्हें जस्ट जैकेट अच्छी लगी, तुम ओवरऑल ही अच्छी लग रही हो माशाल्लाह, तुम्हें बहुत ज्यादा खुशियां दे, कामयाब करे तुम्हारा सालगिरह। मेरा गिफ्ट तो गिफ्ट्स आप लोगों को मिलेंगे, सारी बहनों के लिए लेके आई, सबको पता है मैं लेकर जरूर आई हूं, तो वो मेरे घर पे भी पड़े हैं, तुम्हारी बर्थडे अटेंड करके फिर मैं लेके आऊंगी, फिर दिखाऊंगी। और बाकी जो है वो निकले नुकले हुए हैं तैयारियों में, तो हम भी निकलते हैं। जाने जुने का सबर करो, तुम्हें क्या हुआ? क्या मुझे क्या हुआ? तुम्हारा कलर का तो डर लग रहा है ऊपर से इतना, ये कौन सा कलर की लिपस्टिक लगाई है? पिंक लगाई है यार, इतनी देर बाद क्या मसला, तू मेरे में नुक्स निकाल जा रही है। तुम्हारा कलर बहुत डल लग रहा है। क्या मतलब डल लग रहा है? तुम लोग धूप में फिर फिर के, जो तुम लोग का इतना बड़ा टूर रहा है ना उसमें तुम्हारा कलर डल हो गया। सीरियसली यार मेरा ग्लो भी नहीं आ रहा, तुम्हारे चेहरे का ग्लो हल्का हल्का ना हो गया, कम हो गया। पता है जितने हम आइलैंड्स फिरे उस हिसाब से मेरे हाथों में और मेरी मतलब मेरा जो फेस में जो साफ लग रहा है, सनबर्न हुआ हुआ है, सनबर्न हुआ और बहुत स्वेयर हुआ यार। तुम वो यूज करो ना ब्लूपर टोन यार, वो शर्ट वो मैं लेके गई थी, मैंने यूज कोई नहीं किया, अभी ये ठीक हो जाएगा। तो मैं तो पता है वो दोनों यूज करो उनका बना के, मुझे दे दो अपनी दे दो, मैं मेरे पास अभी नहीं पड़ी हुई, तुम्हारे पास है? हम देखना पड़ेगा, रुक जो मैं लेके आती हूँ जरा। ओके ये मोहतरमा आ चुकी है मेरे लिए अपनी पर्सनल वाली लेके आई जो मैं खुद यूज कर रही हूं। मेरी बहन को मेरा कितना ख्याल है कि मेरी बहन का जो सेंट है ना वो खत्म हो जाए। ओहो हो, तो ये लेकर आई है, ये वाली भी मैंने खोली हुई है, इतनी सी रह गई है, तो देख लो कुछ। ये तो बिल्कुल ही खत्म होने वाली है हीरा, ये तो तुमने सारी यूज करके मुकाई हुई है, खुद तुम ग्लो कर रही हो। हाँ मुझे पता लग गया कि ये इसलिए ग्लो कर रही है भाई, ये होमियो के और की क्रीम है, और ये मैं पहले यूज करती थी
और फिर इंस्टेंट रिजल्ट देखना, मैं तब तक रेडी हूँ। तुम बाकी की चीजें रेडी करो और मैं आपको ये बताती हूँ गाइस, ये मैं पहले यूज करती रही हूँ, इसने मुझे अभी ला के दिया। मैं ना ये यूज करना भूल गई थी अपने ट्रिप के दौरान, मैंने बिल्कुल स्किन का ध्यान नहीं रखा। मैं आपको बताती हूँ कि ग्लोपाटॉन जो स्किन व्हाइटनिंग एमल्शन है, इसको हम लोग मिक्स करते हैं होम्यो क्योर की क्रीम के अंदर, और ये मिक्स करके इसका एक मिक्सचर बनाते हैं और उसके बाद आप अपनी स्किन पे अप्लाई करते हो। आपकी स्किन का जो टैन है वो भी खत्म हो जाता है, जितने पोर्स ओपन है, अगर आपको कहीं पे एक्नी हुई हुई है तो एक्नी स्पॉट खत्म हो जाती है। अच्छा, एक बहुत से लोगों ने मुझे ना कॉमेंट किया था कि हम लोग ना होम्यो क्योर में उसको मिक्स करें लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो मैं आपको एक चीज इसकी क्लियर कर देती हूँ कि रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि आप लोग ऑर्डर करते हैं गलत। बहुत सी जो है ना वो फेक और आपको पता है रेप्लिकाज आई हुई है मार्केट में। तो होम्यो क्योर जब आप लोगों ने लेनी है ना, तो ये उसकी निशानी मैं आपको बता देती हूँ कि होम्यो क्योर CURE लिखा होगा और ये डॉक्टर बनी हुई है, ठीक है। और इसकी जो मेन चीज है ना, तो ये हीरा ने चूंकि यूज की हुई है तो ये इसकी जो सील है ना ये इस तरह से बंद होती है, ये सील पैक होती है और ये निशानी होती है इसके ओरिजिनल होने की। अगर उसके ऊपर ये चीज नहीं लगी हुई, इट्स मीन कि आप फेक प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, और जो ओरिजिनल है वो मैं आपको इसलिए शक्ल दिखा रही हूँ। तो आपने इसमें मिक्स करना है, अपने सन टैन को बनाना है। मैं तो इसको जो है ना वो अभी मिक्सचर बना के लगाऊंगी, बर्थडे शर्डे से वापस आके गिफ्ट्स वगैरह इनको दे के बाद में लगाऊंगी, क्योंकि अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ और हम लोग लेट भी हो रहे हैं। ICSBrands.com वेबसाइट पे आप लोगों ने जाके इनको ऑर्डर करना है, होम्यो क्योर एंड ग्लोपाटॉन को। और क्योंकि ये दराज पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रेट्स में मिलती है, तो ये आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में मिलेगी। अगर आपको भी सन टैन है, एक्नी का प्रॉब्लम है, कोई भी स्किन इशू है, तो ये आपका रिजॉल्व कर देगी बहुत ही इंस्टेंट, और इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, ठीक है जी। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया और कॉमेंट में भी पिन कर दिया, अभी जाए और ऑर्डर करें। हम सब लोग अब निकलने लगे हैं राखी बर्थडे के लिए। तुम लोग अपने गिफ्ट की पड़ गई है यार, तुमने के लिए ले लिया गिफ्ट। मैंने तुम्हारे लिए एक मिस्ट्री बॉक्स भी तैयार किया है। मेरे लिए? अगर अंदर से गंद निकला ना तो आगे छोड़। बॉक्स है, मैं तुम्हारे लिए तैयार किया, वो बाद में दूंगी तुम्हें। बाद में? खैर अभी हम लोग सारी फैमिली जा रहे हैं। ओके बाय। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बर्थडे गर्ल के उस पे, यहाँ पे माई बर्थडे शर्ट सेलिब्रेट है, हर बंदा यहाँ खाने में मसरूफ है, खाया जा रहा है। यार तू क्या लड़की है यार, ये हमारी शादी के बाद अभी मिली है हमें। तो हम खाना शाना खाने लगे हैं, यहाँ से फारिग होएंगे तो फिर जाएंगे। A few moments later, यहाँ से हम सब लोग हो चुके हैं फ्री। अब हीरा की गिफ्ट जो यहाँ पे उसको मिले हैं वो लेके हम लोग घर जा रहे हैं, फिर मेरे गिफ्ट की बारी आएगी, वो भी बस यहाँ से पहुंचे सीधा घर। चलो डिजाइन रहा, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए जिंदगी से, चाहिए आपसे गिफ्ट चाहिए। हम लोग बर्थडे शर्ट से फ्री हो गए थे और ये सोई हस्तियों के लिए मुझे गिफ्ट लेने के लिए मैं वापस आई हूँ अपने घर। जल्दी जल्दी गिफ्ट ज्यादा सारे अपने घर पे पहुंच चुकी हूँ, जाके देखते मेरे हस्बैंड शरीफ क्या कर रहे हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये लड़का यहाँ पे प्याली रखी हुई कुछ खा पी के हीटर चला के सो रहा है, इसको तो मैं बताती हूँ। उठ जाए, आपकी बेगम भेज के आप नींदें पूरी कर रहे हैं, उठे जरा। बेगम बैठ के नींदें पूरी होती हैं। यू आर सो मीन, नींद में फुटबॉल खेल के थक गए? नहीं गया खेलने, क्यों वापस आ गया था, अजीब सा जिस्म में थका थका फील हो रहा है। सफर करके कैसी रही बर्थडे आपका? सबने बहुत पूछा, सबने आपको मिस भी किया। पापा कह रहे थे मैं कल्ला थे गा, किसी को मिस किया था। फैशन चीज लेके आया हूँ मैं। अल्लाह क्या है ना, बात बहुत नहीं करनी, फुल फैशनेबल वो है, देखो बन गया माशाल्लाह, लुकिंग नाइस। तो माशाल्लाह बड़ी तैयार होके प्यारी बन के, वाह जी वाह, अंगूठी पहननी याद आ गई है। गाइस मैंने अपनी एंगेजमेंट रिंग और ये मेरे हस्बैंड ने जो मुझे ब्रेसलेट दिया था, ये मैंने मेहंदी जब लगवाई हुई थी तब मैंने उतार के मम्मा के पास रखवा दिया था, और ये मैंने आज पहना है कोई ठीक डेढ़ महीने बाद अपनी शादी पे उतारा था इसको मैंने, और ये मैंने मिस किया। जो मेरे हस्बैंड उससे रोज पूछा था, इकरा एंगेजमेंट रिंग तुमने उतार दी है, मैंने अभी तक पहनी हुई है। तो भाई आज फाइनली मैंने पहन ली और आज मैं तैयार, इसलिए मेरी बहन का बर्थडे था। तो अभी तैयार क्यों, चेंज वेंज करो? नहीं अब मैं जा रही हूँ घर अपने। क्यों? गिफ्ट लेने आई हूँ उनके लिए। हाँ कोई नहीं आना वापस, चलो घर, कुछ नहीं आना, बस बहुत फिर लिया है। आपके साथ फिर लिया है, उनके साथ नहीं फिरा, उनके साथ रहना है। हाँ हाँ, उनके गिफ्ट जो लेके आई वो देने। चलो सही आओ फिर। चले जी, हमने जो है ना वो सामान रखवा दिया गाड़ी में, और यहाँ पे बहुत तेज वाली बारिश जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। निकलो फटाफट बैठो इससे पहले के भीग रहा हूँ। हम आए हैं लाहौर तो बारिश स्टार्ट हो गई है भाई। ऑल गुड, रेडी गो। फाइनली हम लोग सामान लेके पहुंच गए। अरीब को देख के सूट के सी, इसमें सारा मेरे घर वालों का सामान है। अभी एक दरवाजा खुल चुका है और
मानो एंड मानो की फ्रेंड आई है, हम लोग आ गए हैं यहाँ किधर। ए मानो ये हमारा ही बैग है, हमें वापस मिल गया, चलो जाओ। ये बैग हमें बहुत मनहूस है, इसलिए मैं बोल रही हूं। हां गिफ्ट देने आई हो ना, चलो जाओ मिल गया जाओ। ऐसा कैसे हो, इसका तरीका बहुत कैजुअल है। आप कह रही थी ना कि मुझे कमेंट पे पोस्ट क्यों करती हो, ये क्यों करती हो, यार ये रीजन था लाल बैग, इसकी वजह से आपको ये भेजना चाहिए था मुझे, मेरा रह गया था आपके पास। अस्तगफिरुल्लाह, लाल बैग में तुम्हें चाटे मारे, इसे बैग पकड़ो, ये देखो जरा पूरी पूरी उसकी बर्थडे में आई नहीं है, अभी मुंह उठा के आई है, मेरे गिफ्ट की बारी। ये बैग काफी हल्का है, मतलब सिर्फ मेरे लिए लाई और किसी के लिए नहीं लाई। ओ राबिया ऐसा क्या लाई हो राबिया, वैसे मैंने राबिया का गिफ्ट, अरीब अरीब हमने राबिया के लिए गिफ्ट लिया था, मुझे नहीं पता, तुम्हें बाय करती रही मुझे चीज़। अरे मुझे भी याद आया, नहीं लिया यार। लेकिन मेरा जो गिफ्ट है मुझे मेरी बर्थडे पे देना। क्यों क्यों राबिया, बर्थडे तुम्हारी इतनी देर बाद है, बर्थडे पे भी फिर अगर अभी तो बर्थडे पे भी चाहिए। नहीं आ, ये देखो तो बर्थडे पे देना ना यार, मेरे इसको हाँ, और इसकी बर्थडे का पेंडिंग गिफ्ट है, तो मेरी बर्थडे के जो पेंडिंग गिफ्ट है ना वो भी इकट्ठे कर लो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक मिस्ट्री बॉक्स बनाया हुआ है। मैं तुम्हारे मिस्ट्री बॉक्स में नहीं जा रही, ये हर किसी को, हाँ मैंने हर बहन को, मैंने सोचा था मैंने हर बहन को एक मिस्ट्री बॉक्स देना, हीरा का हो गया, तेरा राबे और जैनब की बारी है। डोंट, ये दोनों मेरे पीछे पड़ चुकी है, और ये तंग नहीं करो बड़ी बहन को, मैं चाहूँ उसको यहाँ पे, मैं किसी को भी जानती हूँ, हाँ जानती हूँ, तो मेरे मेरे हिसाब की चीजें कर रही है। आप भी बोलो ना, जोर लगा रही है, ये सिर्फ दिखने में सबसे छोटी है, ये छोटी नहीं है बिल्कुल। मैंने भी तुम लोगों के लिए मिस्ट्री बॉक्सेस बनाए, हीरा जो अगर गिफ्ट चाहिए तो, हीरो पापा का गिफ्ट जो है ना, वो जब पापा आएंगे तो पापा को मैं अलग से दूंगी, ठीक है, वैसे दिखा आपको साथ साथ पहले भी। सबसे चलो जी, हीरा भी आ गई है, आप खुलने लगा है, बिगेस्ट मिस्ट्री बॉक्स, 3 इन दोनों ने कुछ और कहा था जाते वक्त, याद है ना तुम्हें, नहीं नहीं इन दोनों ने कुछ और कहा था, ये मैं एयरपोर्ट, मुझे पता है मेरे अब्बा को ना, चल निकल, मेरे अब्बा को बहुत शौक है के लिए भाई, तुम्हें उन उस तुम दोनों के लिए सुराज है, ये बोला था आपको नहीं पता, ये अगला गिफ्ट है, आई डोंट एंड दिस इज फॉर फातिमा, ये बोनी है, इसमें बोने बोने बोने। चलो जी, व्हाट इज दिस, ये तो खुल ही नहीं रहा, ये मिस्ट्री बॉक्स है यार, जरा महंगा गिफ्ट है ना फातिमा, फातिमा जितना, इतनी प्यारी वॉच, दिखाओ लोगों को, और इसके अंदर एक स्पेशलिटी है, इसको निकालो जरा, ये मेरा असली में रियल में वक्त अच्छा कर देगी। देखो तो सही पहले, ये सबसे लेटेस्ट उनका एडिशन था जो मैंने लिया है, और इसके पीछे कस्टमाइज तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, फिर भी मैं पहनूंगी, ये देखे आप ही ने भी उसी टाइप कहने की थी, प्यारी लग रही है, आप ही की गेस, मेरी गेस की है इसकी, इसका बहुत खूबसूरत ब्रांड। चलो जी अगला गिफ्ट, अगला गिफ्ट, एक मिनट रुक जाओ, मेरा मेरा अगला गिफ्ट है हीरा का, मेरा नहीं गिफ्ट निकला, सेंटा हीरा को क्या लग रहा है, इसमें क्या होगा, बोलो, वॉच ली थी लेकिन ये डिफरेंट, ये मुझे मेरे लिए तो वॉच नहीं लाई है, यार एक बात बताऊं, हाँ। मेरे पास इतनी ज्यादा गोल्ड वॉचेस आ गई थी गोल्ड कलर में, मैं कहती और मुझे ये आइडिया था कि इसको बड़े डायमंड, इसकी हमें लड़ाई हुई इस बात पे, मैं कहता था ये नहीं लेनी, ग्लासेस लेनी है, ये कहती थी ये लेनी है, अब बताओ। वो देखो वाह भाई वाह वाह, जल्दी जल्दी, अच्छा वेलकम, मेरा निकाल, एक मिनट, अगला गिफ्ट है अरीब की तरफ से, मेरी मम्मी का, मेरी तरफ से नहीं है, ड्रामेबाज, हाँ क्योंकि जो मैंने गिफ्ट देना है वो पाकिस्तान से लेके, मेरी मम्मी को सोना बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा अपनी मम्मी को खोल के दिखाओ तो सही, ज्वेलरी लेके दूंगी, ये भी ज्वेलरी है लेकिन इसमें मेरी अम्मा का नाम लिखा हुआ है, वाह एंड ये जी, ये मेरी मम्मी, और ये पहले परमानेंट है, जब आपको मेरी याद आए आपने इसको देखना, ठीक है, वो देखे तो सही, क्या कर रही है, तुम्हें तो एयरपोर्ट चाहिए था दोनों को, हैं एयरपोर्ट चाहिए थे, किसको चाहिए, तुम्हें तो एयरपोर्ट चाहिए थे, हैं हटाओ इनको, एक दो, 1 2 3 हम लोग डंक लाए थे जॉर्डन, ये किसके लिए, ये जॉर्डन
बहन जिसको पसंद आए वो ले ले। और राबिया के लिए बहुत ही छोटा सा गिफ्ट है, अगला जॉर्डन। अब कुछ नहीं, ये किसका था जो प्यारा होगा ये अगला जोड़ा। ये अच्छा है, ये भी प्यारा है। और ये मैंने अपने लिए नहीं लिया। अरे ये भी अच्छा है। जैसे चिपके हैं लोगों ने मुझे मर मर के आपकी जॉर्डन देखा, आपकी जॉर्डन देखा ना। ये और ये जो है ये था मास्क, ये सबके लिए, सबके मुंह पे एक एक चिढ़ा। ये था भाई गिफ्ट। और पापा वाला गिफ्ट क्या, मैं छुपा देती हूँ, जब पापा आएंगे तो फिर मैं पापा को अलग से गिफ्ट दूंगी। ओके जी, सबको गिफ्ट पसंद आए अपने? यस, बहुत अच्छे लगे। वो दो दूसरा so खोलने में मसरूफ है। थैंक यू। कैसा लगा फिर तुमको तुम्हारा गिफ्ट? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। चलो मैं निकलने लगा, ठीक है? ठीक है, ओके। आपने आना है साथ के रहना है? मुझे दोस्त के घर चलाओ, मैं छोड़ दूँ। अच्छा, इसको इसकी दोस्त के घर छोड़ दें और मुझे मेरी अम्मी के घर छोड़ दें और आप, ठीक है ना? ये बेस्ट है। चलो ओके, ठीक है, ठीक है। ज्यादा मिस मत करना मुझे, मुझे पता नहीं करेंगे, मैं ही करूंगी। तो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। चलें जी, हमने गिफ्ट्स वगैरह तो बांट दिए, अब जो है वो बारी आती है मम्मी नाश्ता। नहीं मम्मी रात के टाइम क्या सेवा कर सकती हैं, मम्मी वही कर रही हैं। मम्मी क्या, मम्मी थक जाती हैं। मम्मी क्या बना रही हैं आप अपने लिए? चाय बना रही हैं? नहीं नहीं, ये किसके लिए बना रही हैं? ये अपने लिए अलग बना रही है, मुझे ये बना के दिया। वैसे मम्मा मैं आपके लिए कॉफी भी लेके आई थी लेकिन वो भी लाना भूल गई हूँ। मैंने आप लोगों के सामने खरीदी थी ना बाली से, वो मैं लेके नहीं आई हूँ क्योंकि वो मेरे दूसरे बैग में थी और वो बैग बहुत मुश्किल से खोलना पड़ा था। तो ये एक बैग मेरा जो था ना वो गिफ्ट सारा सारा रेडी था, तो वो ग्रीन टी और वो जो चीज़ें अम्मा के लिए वो दूसरी ली थी, और हीरा के लिए जो थोड़ा बहुत मेकअप था ना वो दूसरे बैग में, तो मैं बाद में भर्ती कर दूंगी। अभी हम पीते हैं अपनी मम्मी के हाथ का बना हुआ गर्म गर्म दूध। पापा आ चुके हैं। पापा जी गेस करें मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ? मेरे तो आप आ गए। आपके गिफ्ट में अभी बहुत दंगे फसाद हुए हैं यहाँ पे। राबिया ज़ैनब, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। मैं पापा के लिए लेकर आई हूँ एप्पल केयरपॉड। मुझे पता था पापा को ये चाहिए और पापा जो है ना दूसरे यूज कर रहे होते थे, तो मैंने कहा ये जो है ना वो ओरिजिनल एप्पल के वहां से मैं खरीद के लाई थी। और इस पे ज़ैनब राबिया ने मुझे बेट लगाई है, ज़ैनब राबिया ने मुझे तड़ी लगाई है कि ये पापा से हम ले लेंगे। ये तो पापा तो यूज ही नहीं करते, वो तो ये मैं लेके आता हूँ। हाँ, सारे वही चुक लेते हैं। हाँ, तो ये ओरिजिनल, ये मैं बैग में डालूंगा। कैसा लगा आपको गिफ्ट? बेस्ट। ठीक है जी, ये हमारे हमने लास्ट गिफ्ट भेजा था, ये हमने पापा को हैंड ओवर कर दिया है। अब हम करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, क्योंकि हम गए हैं बहुत ज्यादा थक। और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।